तो कुछ प्लम्बर हमारे क्या करते हैं ना, ये रिड्यूसर को निकाल के फेंक दिया, देखिए फेंक दिया ना, नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। यहाँ पे देखिए नॉन ब्रांड, यहाँ पे एक मेटोपोल दिख रहा है 40x32 का है, यानी कि 1.5x 1.75 का है ये, और फिटिंग भी यहाँ पे मैंने रखा है। अब यहाँ पे मैं बोल बोल के थक गया हूँ, कुछ जो प्लम्बर है ना, हमारे प्लम्बर भाई जो है ना गलती करते हैं, कौन सी गलती करते हैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि सही तरीका क्या है इसको इंस्टॉल करने का, हाइट वगैरह कितना रखेंगे। आपने देखा होगा अक्सर प्रॉब्लम आता है जब कोई फ्लश करता है, उसके बाद सीट में जो है डब डब करके आवाज़ आता है और भी तरह का आवाज आता है, तो क्यों आता है और कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे आप ये समझिए कि सबसे पहले जो प्लम्बर है ना, वो कौन सी यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ, साइज 40x32 का है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये देखिए मेट्रोपोल इसका नेम है, सिंगल फ्लश पुश टाइप, उसके बाद देखिए वन यूनिट। अब साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 40mm है, 40mm का है ये, 40x32 का, यानी कि 1.5x 1.75 का। खोल दिया, ये कवर है, ये रख देना है संभाल के, टाइल्स के बाद लगेगा। अब इसके साथ में देखिए यहाँ पे ये रिड्यूसर सॉकेट है 1.5x 1.75 का, ठीक है, निकाल दिया। अब इसमें ये जो पैकेट है ना, इसमें अपना मेट्रोपोल है, ये देखिए निकाल दिया बाहर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए एक एरो दिया है कि ये इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये वाला जो है इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 40mm यहाँ पे मार्किंग किया है, ये वाला जो है ये 40mm है, उसके बाद ये वाला जो है यहाँ भी आप देख रहे हैं ना, ये भी 40mm है, डेढ़ इधर भी है, डेढ़ इधर भी है। तो देखिए मैं आपको हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर ये जो इनलेट 1.5 इंच है तो आउटलेट इसको 1.25 बनाना है, 1.25 अगर नहीं बनाना होता तो कंपनी यहाँ पर रिड्यूसर क्यों देती मेरे भैया। देखिए रिड्यूसर दिया है ये 1.5x 1.75, अब इधर आगे यहाँ पे 1.25 लगेगा। तो कुछ प्लम्बर हमारे क्या करते हैं ना, ये रिड्यूसर को निकाल के फेंक दिया, देखिए फेंक दिया ना, फेंक दिया, उसके बाद अब क्या करेंगे, ये 1.5 इंच का MTA यहाँ पे ठोक दिया, देखिए 1.5 इंच का इधर MTA लगा दिया, उसके बाद इधर अब जो क्या करेंगे, इधर भी रिड्यूसर को वहाँ पे फेंक दिया, इस तरह से फेंक देते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे FTA लगाएंगे 1.5 का, तो चौपट हो जाता है पूरा, प्रॉब्लम आता है। अब मैं आपको फिट करके बताता हूँ कि कौन सा कहाँ पे लगेगा, किस तरह से आपको फिट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये वाशर देता है ताकि जो है लीक ना करे, ये इसको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है, वाशर और रिड्यूसर को निकाल के फेंकना नहीं है, कंपनी चूतिया नहीं है, कंपनी बेवकूफ नहीं है, और प्लम्बिंग रूल भी यही कहता है, मैंने आपको बताया है कि प्रेशर आप कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो है यहाँ पे इसको आप रिड्यूस करेंगे, अगर मेट्रोपोल आपका 1.5x 1.75 है तो जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आउटलेट में 1.25 इंच रिड्यूसर कनेक्ट करना है, जैकवार का हो या फिर किसी भी ब्रांड का हो, यहाँ पे ये 1.5 ही रहेगा, बस आपको क्या करना है यहाँ पे ये रिड्यूसर लगा देना है, तो ये 1.5x 1.75 हो जाता है, ठीक है। और एक मेट्रोपोल आता है 32x32 यानी कि 1.25x 1.75 का, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये वाला जो है यहाँ पर रिड्यूसर लगता है, उसका साइज जो है इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे नीचे आउटलेट में लगता है अगर 1.5 इंच है तो इसको डिक्रीज करने के लिए, मतलब ये 1.5 है इसको 1.25 बनाना है, और अगर 1.25x 1.75 है तो इसको जो है 1.5 बनाना है आपको, इस तरह से लगाना होता है। तो ये वाला क्या करना, आपको टेफ्लॉन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वाशर है वाटर लीकेज को रोकने के लिए, इसको आप यहाँ पे इस तरह से फिट कर देंगे, टाइट कर देना है ताकि जो है लीक ना करे, और ऐसे भी फ्लश करने के बाद ही ये लीक करता है, तो अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट करना है। अब ये ब्रास MTA है 1.5 इंच का है, काफी कॉस्टली होता है, मैं आपको बता दूं, देखिए फ्लश वाल की ये तुलना में, यानी कि मेट्रोपोल और फ्लश टैंक की तुलना में ये जो है सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, ये जो मेट्रोपोल है काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, और जो फ्लश टैंक है ना वो सस्ता पड़ता है। फ्लश टैंक आपका 3/4 के पाइप से भी हो जाएगा एडजस्ट, लेकिन ये जो है इसके लिए आपको 1.5 इंच का पाइप लगाना पड़ता है। अब देखिए ये अपना ब्रास MTA है ना, इसमें देखिए साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम जो है आपको 40 राउंड, मैक्सिमम 45 राउंड तक टेफ्लॉन को लगाना है। देखिए यहाँ पे MTA में टेफ्लॉन लगा दिया, सिर्फ इसमें ही लगाना आपको, यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाया हूँ ना, कुछ लोग लगाते हैं उसके लिए यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगाना जो है यहाँ पे ना लगाने के बराबर है।
देखिए अब अगर इस तरह से टाइट करेंगे ना तो ये पूरा फुल टाइट हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए फ्लश किया सीट वाले पाइप में अगर कोई भी कुछ भी कचरा है ना तो फिर यहाँ से पानी लीक करने लगेगा। क्या करना आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, अगर वाशर नहीं है तो देखिए काट के फेंक दिया वाश वो टेफ्लॉन जो लगाया था। देखिए इस तरह से वाशर बनाया, उसके बाद अब इसको यहाँ पे डालेंगे। देखिए वाशर यहाँ पे, अब ये वाशर बन गया है ना टेफ्लॉन, अब ये लीक नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है इंस्टॉल करने के लिए। देखिए 1.5 इंच का ब्रास एंटी ये 1.5x1.5 बना दिया, इधर 40 है इधर 32 है, ठीक है। अब ये रेडी है, चलिए इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए ऊपर यहाँ पे आप दो पाइप देख रहे हैं, एक पाइप 1 इंच का है मोटर के लिए है ये, अब ऊपर से आ रहा है बाईपास होके बाथरूम में जा रहा है फ्रेश वाटर सप्लाई लाइन देने के लिए। उसके बाद ये पाइप जो है नीचे वाला 1.5 इंच का है, आउटलेट है ये, ठीक है, बाथरूम से निकल के जा रहा है, टैंक में कनेक्ट हो रहा है। और टैंक से बात करूँ बाथरूम के लिए, तो बाथरूम के लिए ये इनलेट है, टैंक से आ रहा है 1.5 इंच का पाइप है। दोनों पाइपलाइन इस तरह से बाथरूम के अंदर एंट्री करता है। चलिए बाथरूम में दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बाथरूम में आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना किस तरह से यहाँ पे कितना हार्डवर्क करने के बाद इस तरह से काम हुआ है। एकदम सीलिंग्स के ऊपर ही टच करके हम लोग लेके जा रहे हैं, सीधा निकाल दिए ऊपर, कहीं भी एल्बो वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ से सीधा गया टैंक में घुस गया, इस तरह से फिटिंग हुआ है। ऊपर अभी कुछ भी लगने वाला नहीं है, यहाँ से ये सीधा जा रहा है टैंक की हाइट पर जहाँ पर टैंक रखा हुआ है। दरअसल इस छत की अपेक्षा जहाँ पर टैंक लगा है उसका छत थोड़ा सा नीचे है, इसलिए इसके लेवल में मैंने निकाल दिया ताकि कोई फिटिंग ना लगे, सीधा टैंक में कनेक्ट हो जाएगा। दोनों पाइपलाइन इस तरह से मेरा नीचे आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों एल्बो लगा के नीचे में डाउन किया। ये पाइप 1.5 इंच है, ये पाइप 1 इंच का मोटर वाला, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस तरह से नीचे लिया, देखिए किस तरह से यहाँ पे काम किया गया है, कितना मेहनत लगता है ऊपर काम करने में। और सबसे ज़्यादा जो है मेहनत तब हो जाती है ना, मेहनत वाला काम जब 1.5 इंच का पाइप हो, 1.5 इंच या फिर 2 इंच का पाइप अंडरग्राउंड अगर आपको करना हो तो मैक्सिमम जो है 1.5 इंच तक का ही पाइप हम लोग अंडरग्राउंड करते हैं। अगर 2 इंच करना पड़ जाए तो उसके लिए बाहर से ही लेना सबसे बेटर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया 1.5 इंच का, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया 1.5x1 करके, रिड्यूस करके इसको मैं भेज रहा हूँ गीजर के लिए, उसके बाद बाथरूम वाले एरिया में, और यहाँ से ये जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया में। टॉयलेट वाले एरिया में सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा, एक्सप्लेन करूँगा मेट्रोपोल के बारे में। अब देखिए एक पाइप से जब दूसरा पाइप जो है टकराता है ना तो क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी का ओवरबैंड आप मत यूज करिए, इस तरह से मैनुअल 4/45 यूज करके मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए। इसमें दो एडवांटेज है इसका, पहला तो ये कि ये जो है इसमें प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, 1 इंच जो है 25 mm डाया पूरा फुल मिलेगा आपको। और दूसरा एडवांटेज इसका ये कि इसमें आप मल्टीपल पाइप क्रॉस कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा, 1, 2, 4, 10 जितना भी करना हो लंबा ओवरबैंड बना के आप कर पाएंगे। 1.5 इंच का पाइपलाइन अब इस तरह से आगे बढ़ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए।